डेकोरेशन विद नेचर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सब मस्त होंगे, खुश होंगे, नेचर के साथ बहुत बहुत हैप्पी होंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी वीडियोस लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए और मेरा साथ देने के लिए। आज हम देखेंगे, जैसे हमारे गेट के पास या स्मॉल जहाँ पे गार्डन एरिया नहीं होता, स्मॉल हाउस में हमारे पास, तो हम मतलब छोटी से छोटी क्यारी में भी मिक्स एंड मैच प्लांट्स कैसे लगा सकते हैं, जहाँ जैसे रूम के साथ शेडी एरिया होता है और गर्मी में तो शेडी एरिया में भी फ्लावर्स भर भर के आते हैं। और इस प्रकार में दो तीन क्यारियाँ हैं जो हम शेयर करेंगे और मेरे साथ लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। तो सबसे पहले तो देखिए, जैसे बिल्कुल ये छोटी सी क्यारी है, जितनी रूम की लेंथ से भी छोटी क्यारी है ये, देखिए। तो इसमें हमने देखिए 12-13 तरह के प्लांट्स लगाए हुए हैं, ऑर्नामेंटल भी हैं, फ्लावर्स भी हैं, तो ये मिक्स एंड मैच प्लांट्स हैं। देखिए सबसे पहले तो ये अभी तक हमारे पास ये गजेनिया भी चल रहा है, और क्योंकि शेडी एरिया में जिनिया बहुत अच्छी तरह चलता है। विंटर में थोड़ा इसको धूप की जरूरत होती है, और साथ में हमारा ये डेलिया भी चल रहा है, ये देखिए इसके साथ ये डेलिया भी चल रहा है। समर में शेडी एरिया में डेलिया चल जाता है, आगे फ्लावरिंग भी हुई थी, अभी ये जैसे आते हैं फिर हम शेयर करेंगे। और इसके बाद ये देखिए, ये पाम का प्लांट है, ये देखिए। और इसके इतने सारे ये बेबीज प्लांट हो जाते हैं, ये मदर प्लांट ही कह सकती हूँ मैं तो, 10-20 पोट बना चुकी हूँ इससे। ये देखिए, ये वो मदर प्लांट था और ये इसका बेबी प्लांट है, तो उसी से वो 10-20 साल पुराना है और उससे ही मैंने फिर ये लगाया था, बाकी मेरे ऊपर रखे हुए हैं। मतलब एक प्लांट से हम सैकड़ों प्लांट्स बना सकते हैं। फिर ये मेरे ये हाइब्रिड के सदाबहार है, ये विनका प्लांट्स, तो ये भी 20-20 रुपए के नर्सरी में आराम से मिल जाते हैं। आप सीड्स मंगवा के भी लगा सकते हैं, कटिंग से भी, पर मैंने मतलब मेरे पास जो वाइट और लाइट पिंक कलर देसी जो विनका होता है वो तो सैकड़ों अपने आप ही उग जाते हैं। ये मैंने अभी तक इतना मतलब स्टिक से ट्राई नहीं करा है। तो ये देखिए, मोस्टली ये समर में ही ज़्यादा करते हैं, विंटर में थोड़ा ये सूख से जाते हैं मतलब पत्ते इनके। और इसके बाद मेरा ये तो है ही परमानेंट, मेरा ये देसी गेंदा है, ये स्मॉल गेंदा कह सकते हैं इसको। और इसके बाद ये देखो, इतनी गर्मी में भी डेंथस अपने आप ही उग चुका है। और ये मेरी पटोनिया के सीड है, ये भी मेरे हर जगह मैं दिखाती हूँ, पर एक बार करेंगे अगले साल, यहाँ पे अपने सीड्स गिर जाएंगे, अपने आप ही हो जाते हैं यहाँ पे। ये देखिए, ये विनका की 10-12 कलर्स आए हुए हैं नर्सरी में, तो मैं पास वाली नर्सरी से ही लाई थी। ये मैरून कलर का है, एक डार्क पिंक कलर का है, और ये हमारा कहते हैं गेट के पास तुलसी लगानी चाहिए। बड़े वाला मेरा थोड़ा ड्राई हो गया था प्लांट, तो अभी इनके बेबी हुए थे वो लगाए हुए हैं। और ये देखिए, मैंने ये इनकी भी ये कटिंग लगाई हुई है विंटर फ्लावर की, ये देखिए। देखिए ये है बड़ा प्लांट सेकंड नंबर पे, पहले तो ये पाम लगाए हुए हैं, फिर ये क्रोटन है। तो ये देखिए कितना मतलब शेडी एरिया में तो ये बहुत ही कितना लार्ज स्केल पे बड़ा हो रखा है। और इसके भी हम ये जैसे अभी ये देखिए स्टिक्स निकल गई हैं, अभी ये बारिशें आएंगी या एक दो मैं वैसे भी कट करके ट्राई करूँगी इनकी, जैसे ये स्टिक्स है, ये देखिए ये जो स्टिक्स आई हुई हैं, हाँ ये यहाँ से कट करके इनको अपना उसी में, ये देखिए कितनी मतलब ये छोटी छोटी इसकी, अब ये मदर प्लांट है एक्चुअल में मेरा, इसके भी मैंने 10-12 प्लांट्स तैयार किए हुए हैं। और ये मेरा है प्राइड ऑफ इंडिया प्लांट, ये मतलब ये इसको भी मैं 4-5 बार यहाँ से कट कर चुकी हूँ, ये देखना, ये देखिए यहाँ से कट करके फिर बेबी आ जाता है इसका, ये देखिए फिर मतलब कितनी मोटी स्टिक हो चुकी है इसकी, ये देखिए स्टेम ना कितनी मोटी हो चुकी है। और ये देखिए, ये तो मैंने लास्ट वीडियो में दिखाया ही था आपको, इसके भी मैं काफ़ी प्लांट्स बना चुकी हूँ।
और जैसे कि ये मेरा ये पटोनिया का है, आप ये जैसे आपके प्लांट से कटिंग स्टिक बच जाती है, जैसे ये लगा दीजिए, इसमें बहुत अच्छी तरह ये सेट बैठ जाती है। जो अपनी हम कटिंग करके इनके स्टिक रख लेती हूँ मैं, ये देखिए। तो मिक्स एंड मैच नेचर के साथ हम और हमारे साथ नेचर मस्त रहते हैं। देखिए ये तो मेरा हो गया एक, मतलब एक बिल्कुल देख कितनी स्मॉल सी क्यारी है, छोटी सी, और कितने मिक्स एंड मैच प्लांट्स हैं। और सारे प्लांट्स ऐसे हैं जो कटिंग से लग जाते हैं या अपने आप ही सीड से उग जाते हैं। एक बार आप ले आइए और उसके बाद सैकड़ों प्लांट्स आप नर्सरी से बना सकते हैं। ये देखिए कितने, मेरे ख्याल से ये 6 फीट की भी क्यारी नहीं है। देखिए कितनी स्मॉल, मतलब ये मेरी ये क्यारी है। और इसमें देखिए कितने अच्छे प्लांट्स हो रहे। इसके भी मैं अभी ऊपर से भी, ये जैसे मेरा क्रोटन है, इसकी भी मैं कटिंग करने वाली हूँ। और ये देखिए, और इसके भी यहाँ से ऊपर, क्योंकि मैं हर साल इनकी कटिंग करती रहती हूँ और बुंजाई शेप मिल जाती है। अभी तो होगी हमारी एक ये छोटी सी क्यारी, हम दूसरी क्यारी देखते हैं। अभी ये देखिए, ये उससे भी छोटी क्यारी है। ये देखिए इसमें मेरा ये ऑरेंज टिकोमा लगा हुआ है, ये मैंने काट काट के, देखो कितनी अच्छी तरह इसके बुंजाई बनाए हुए हैं, बुंजाई बनाए हुआ है। और इसके भी मैंने प्लांट लगाए हुए हैं, अभी मैं दिखाती हूँ आपको। ये मदर प्लांट है टिकोमा का, और बारिशों में तो सैकड़ों प्लांट बना सकते हैं इसके। देखिए वो मदर प्लांट था और ये बेबी प्लांट है। ये देखिए ये उसी का बेबी प्लांट है, ये हमारी देखिए उसके, ये भी कितना, मतलब इसकी भी कटिंग करके मैंने इसको बुंजाई बना दिया है। जितनी कटिंग करेंगे उतना ही ज़्यादा फैलता है, पर विंटर में थोड़ा कम कटिंग करनी चाहिए। ये देखिए ये एक और दूसरे कलर का, ये हमारे पास विंका है और मिक्स एंड मैच, जैसे अब समर में है विंका और ये देसी गेंदा और ये टिकोमा। मतलब ये नहीं कह सकते कि समर में फ्लावर्स नहीं आते हैं, फ्लावरिंग नहीं होती। ये देखिए ये और कलर है विंका का, ये लाइट पिंक, बिल्कुल लाइट पिंक है। और पीछे ड्रेसीना है, और ये देखिए गेट के पास तुलसी है। मतलब ये मिक्स एंड मैच करके हमारा एक मिनी जंगल बना हुआ है। अब ये देखिए, ये भी मैंने, मतलब अलग क्यारी में पीछे स्पेस बचती है तो आप ड्रेसीना और ये इनकी कटिंग लगा सकते हैं। ये देखिए इधर, ये भी सब मतलब मोस्टली प्लांट कटिंग से है। एक बार आप ले आओ और 1000 पौधे पाओ। ये देखिए ये एक बार के इतना स्मॉल सा प्लांट में लाई थी, इसकी स्टेम देखिए कितनी मोटी हो चुकी है। ये देखिए नीचे भी, ये देखिए विंटर का फ्लावर है, इसकी भी मैंने और कटिंग्स भी लगा रखी हैं पर अभी तक ये चला हुआ है। ये देखिए, और हमारे टिकोमा की स्टेम देखिए कितनी मतलब मोटी हो चुकी है ये। और ये देखिए इतने प्रकार, देखिए कितनी छोटी सी क्यारी में भी कितने प्लांट्स आए हुए हैं और कितने सुंदर लगते हैं। गर्मी के टाइम में भी इतने फ्लावर वाले प्लांट, जैसे ये तो बड़ा प्लांट टिकोमा हो गया, उस साइड तो क्रोटन था और हमने पाम लगाया हुआ था। इस प्रकार बड़े हमने ये भी, मतलब अभी कटिंग करी है मैंने इसकी, फिर भी एक दो आ रहे हैं। ये गुलाब का, ये और ये भी ऑरेंज गुलाब है, ये बहुत सुंदर, बहुत फूल आते हैं इस पर। अभी ये ज़्यादा आगे आ गया था तो इसकी कटिंग करी है। ये देखिए अभी, ये देखिए पूरी क्यारी का मतलब फुल लुक देखिए। मतलब यहाँ पे तो हमारे पास है टिकोमा है, गुलाब है, गेंदा है और क्लोंच, ये है क्लोंचो प्लांट है, और ये ड्रेसीना, मतलब मिक्स एंड मैच मिच में स्नेक प्लांट की भी स्टिक लगाई हुई है। और ये देखो कितनी स्मॉल सी क्यारी, मतलब स्पेस है और उसमें भी कितने अच्छी तरह, देखिए कितने भर भर के फ्लावरिंग हो रही है हमारी। ये देखिए देखिए, जैसे अब ये टिकोमा उस साइड तो शेडी एरिया में है मेरे प्लांट, जो पाम और क्रोटन दिखाया था, और इस टिकोमा को तो मतलब जितनी चाहे सनलाइट दे दीजिए, उसमें ही हैप्पी रहता है ये। तो यहाँ पे विंका है, गुलाब है, और ये देखिए, और ये हमारा टिकोमा है, जो मतलब सारे सनलाइट भी हैं और जैसे कम लाइट शेडी एरिया में भी हो जाते हैं, पर टिकोमा को बहुत ज़्यादा लाइट चाहिए, सनलाइट, इसीलिए ये भी रफ़ एंड टफ प्लांट है, सिंपल कटिंग से हो जाता है, सीड से मैंने उगाया नहीं हुआ है। ये देखिए वही मैं बोलती हूँ, इनको महीने में जैसे एक बाल्टी, मतलब 5 लीटर में 1 स्पून सरफ डाल दीजिए, डिटर्जेंट, लिक्विड डिटर्जेंट डाल दीजिए और उससे हल्का सा वॉश कर दीजिए,
और इनमें वही थोड़ा सा मतलब 6 मंथ में, फैब में या अक्टूबर में आप ये वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं। इसमें वर्मी कंपोस्ट डाल दीजिए, कभी कभी DAP डाल दीजिए। मतलब मैं ना मिक्स एंड मैच कभी कभी ट्राई करती रहती हूँ, और किचन वेस्ट और मेरा लीफ कंपोस्ट तो हमेशा तैयार ही रहता है। और इसमें जैसे बाय चांस, मेरे ख्याल से मेरे पास तो अभी तक जैसे कीड़ा नहीं लगता, बाय चांस लगा भी है तो मैंने बोला हुआ है थोड़ा सा वो, मैं तो मतलब ट्राइकोडर्मा पाउडर छिड़क दीजिए, फंगीसाइड होता है वैसे भी, ऑर्गेनिक आ रहा है ट्राइकोडर्मा, तो वही ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, क्योंकि यहाँ तुलसी भी है, हाइब्रिड प्लांट है, और ये जो हाइब्रिड भी इनका है, तो इनके लिए जो बेस्ट तो ये हमारा ट्राइकोडर्मा पाउडर ही बेस्ट होता है। और ये देखिए, और इनको महीने में एक बार अच्छे जैसे सर्फ वाला बताया, 5 लीटर में 1 स्पून सर्फ डाल के वॉश कर दीजिए, और इससे ना मतलब ये इसके पत्तों की शाइन रहती है हमेशा। ये देखिए ये क्रोटन कितने, हर तीसरे महीने इसके लीव्स मतलब अपने आप कलर चेंज कर जाते हैं। अभी ये आ रहा है हमारे पास ग्रीन, और ये अब थोड़े से दिनों में जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी ये येलो शुरू हो जाएगा, बिल्कुल लाइट येलो कलर के इसके लीव्स बनना शुरू हो जाएंगे। ये देखिए अभी इसका देखिए एक और प्लांट तैयार हो गया, अभी मैं इसको यहाँ से ये कट करके, ये कटिंग करके ये दूसरा बन जाएगा यहाँ से, ये देखिए। और जैसे आपके पास इतनी छोटी सी क्यारी है, जैसे पीछे की तरफ आप स्नेक प्लांट की या थोड़ा मनी प्लांट की कहीं से भी आप कटिंग लगा सकते हैं, आगे की तरफ फ्लावर, मतलब सैकड़ों प्लांट्स एक छोटी सी क्यारी में लग जाते हैं। ये देखिए वन में ऊपर की तरफ, जैसे एक और बात, जैसे कि आगे मैंने ये फ्लावर प्लांट लगाए हुए हैं, पर मैं जैसे इनके लीव्स ये बड़े हो जाते हैं थोड़ा, मतलब ये कट कर देती हूँ ताकि फ्लावर्स के ऊपर मतलब ये ज़्यादा शेड मतलब ना रहे, इनको थोड़ा ऑक्सीजन भी मिल जाए, इसीलिए ये देखिए जैसे यहाँ पे ये आ रहा है तो इसको थोड़ा सा मैं ट्रिम कर दूँगी। देखिए मतलब एक दूसरे को स्पेस तो चाहिए प्लांट को ना। अब जैसे ये देखिए, जैसे ये इसके ऊपर ये मैंने लगाया हुआ है, ये देखिए ये मतलब एक दूसरे को थोड़ा सा ये स्पेस मिल जाए बस, ये ऐसे। और इसके साइड वाले ये अपने इलाके में रह रहा है, ये देखिए, और ये अपने में, ये देखिए एक दूसरे को मतलब पूरा स्पेस दे रहे हैं, और फिर भी मिक्स एंड मैच के साथ। जैसे अभी मैंने थोड़ी ये जैसे ये थोड़ा पीछे कर दिया, अगर देखिए ये आगे आएगा तो इसको ढक लेगा देखिए, पर इनको जैसे इसको एक दूसरे को थोड़ा थोड़ा स्पेस देने के लिए थोड़ी ये थोड़ा टाइम तो मांगते हैं। देखिए हम नेचर है, नेचर हम हमारे साथ रहती है, हम नेचर के साथ आधा घंटा एक घंटा आपके पास छोटा वो क्यारी है, छोटा गार्डन है, गमले हैं, 10 गमले भी रख के भी उनसे भी मतलब बहुत अच्छा गार्डन लुक मिल सकता है। एक मतलब बिल्कुल थोड़ी सी स्पेस है, जैसे लास्ट वीडियो में मैंने दिखाया था आपको एक स्टैंड पे ही 10-20 स्मॉल पॉट सेरेमिक पॉट, और उससे सफाई भी रहती है ज़्यादा, उससे अपना मतलब 10-20 छोटे पॉट आ जाते हैं इस पे पॉट स्टैंड पे, और उन पे अपना अपना शौक भी पूरा कर सकते हैं गार्डनिंग का। ये ज़रूरी नहीं है कि जिनके पास बिग स्पेस ही होती है वही ज़्यादा वो गार्डनिंग या पॉट या प्लांट्स रख सकते हैं, हम छोटे से एरिया में भी अपना शौक गार्डनिंग का पूरा कर सकते हैं। ये देखिए ये सारे एयर प्योरीफाई प्लांट हैं। और इस प्रकार आज की मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और नेचर के साथ मस्त रहें।